हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ। यहाँ देखिए, पैच की बैठ के पता नहीं अपना जुगाड़ कर रही है। मतलब मेरा एक चेन था बैग का, मैंने इसको दे दिया, तो ये अपना बैग में लगा रही है। बैग भी हमारा ही है, मतलब मैंने इसको ऐसे दे दिया कि बच्चा है, खेल रही है ना, तो ये आज हम लोगों के साथ घूमने जाएगी ना, तो इसीलिए ये अपना वो कर रही है, मतलब जुगाड़ कर रही है अच्छे से। और वो भी देखिए, यहाँ ईयर रिंग लगाया है इसका, मम्मी का जो ईयर रिंग होता है ना सिटी गोल्ड का, अंदर लगा के जुगाड़। तो हमारे घर में आज खाना बन रही है सब्जी, आप देख सकते हो वेज है। और यहाँ पे जो नीम का पत्ता है और करेला का पत्ता, करेला है, वो सब्जी बने। मतलब आज कुछ नियम है, मतलब ये सब करवा खाने का नियम है। और ये है खट्टा डाल, ये देखिए छोटा छोटा आम आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हमारे पेड़ जो है ना घर में, इसमें लगा था छोटा छोटा आम, तो इसका आज डाल बना है। तो बंगाली लोगों का कुछ नियम है, आज का दिन ये सब खाना पड़ता है, तो हम भी खा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, और पता नहीं क्या क्या भाजी करके रखा है, करेला वगैरह। और कढ़ाई में जो आपने देखा ना, वो नीम का पत्ता है, ये करेला है। और यहाँ देखिए मम्मी खाना वाना बना रहे हैं। और धूप भी बहुत ज़्यादा निकला है आज, बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हो कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, और मैं आज एक बहुत ही अच्छा जगह पे जाने वाली हूँ। मतलब वहाँ पे नील पूजा हो रहा है, वहाँ पे ये हमारे घर का किरायेदार है पैच की, तो ये भी हमारे साथ जाएगी, मैं मम्मी और ये, तो ई रिश्का में जाएंगे। और बंगाली लोगों का मतलब कुछ होता है चैत के महीने में, जो शिव और पार्वती जी आए थे ना डांस करने, आपने शायद पिछले व्लॉग में देखे होंगे। तो आज उसका फाइनल जो पूजा है वो देंगे, मतलब उसको बोलते हैं हर गौरी, शायद शिव जी और जो गौरी माता है उनका पूजा है, तो उनको बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे कि नील पूजा, हर गौरी पूजा, शिव पार्वती पूजा, बहुत नाम से जाना जाता है। तो आज हम उस मठ में जाने वाले, बहुत बड़ा मठ होगा वहाँ पर, आज पूजा होगा, क्योंकि आज के बाद से फिर और एक साल बाद वो पूजा आएगा, तो इसलिए आज हम लोग जाने वाले, देखेंगे और बहुत ही मज़ा होगा। आप मेरे साथ बने रहे व्लॉग में, तो चले चलते हैं। तो दोस्तों हम तैयार हो चुके हैं, हम जा रहे हैं। ये पेचकी का मम्मी आप दे सकते हो, और ये पेचकी और मेरा मम्मी आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, चलो देखते हैं। वो घर में चली गई है, रुकिए आते हैं वो थोड़ा सा। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं रस्ते में अभी। तो आज मौसम भी मतलब काफ़ी ज़्यादा धूप निकला है, तो अभी शाम के 4:30 बज रहा है, तो थोड़ा बहुत धूप थोड़ा कम हो गया है, तो अच्छा लग रहा है चलने में। तो सामने जाके हम लोगों को ईरिश्का मिलने वाला है, तो सामने चलते हैं। क्या बोलते हैं पिछकी, ईरिश्का में जाएगी, चल के जाएगी रिक्शा में? चलो। पैसा देगी तू? पैसा तू देगी? हाँ। कितना देगी? है क्या तेरे पास? 10 रुपये है मेरे पास। मतलब 10 रुपया लेके एकदम डांस कर रही है? हाँ मेरे पास पैसा है, आइसक्रीम वगैरह खाएगी शायद। 10 रुपये है मेरे खाने का, और 15 रुपये है मेरे। ये हमारे यहाँ पे गाय घास खा रहा है, तो रस्ते में मिल गया। हाँ तो यहाँ पे महादेव जी बोलते, मतलब गाय है। चल आ जा जल्दी, डर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ईरिश्का में पैसे के। तो हम आ गए वहाँ पे, मतलब एक बहुत बड़ा सा मार्ट है, हम ईरिश्का में करके आ गए। और आप देख सकते हो काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, मतलब काफी है। तो हम जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और ये है मेन गेट, मतलब यहाँ पे मेला वगैरह होता है ना, अगर आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखे हो तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेला बैठा था, वो भी ब्लॉग मैंने आप लोगों को शेयर किया है, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे ही है। तो ये थोड़ा बहुत मतलब चीज़ वगैरह बैठा है, खिलौना बच्चा लोगों का, आप देख सकते हो खिलौना वगैरह ही ज़्यादा है, छोटे छोटे प्लास्टिक का फूल, गाड़ी, ये सब। तो काफ़ी बड़ा ही मार्ट है ये, तो इसमें पता है जो पूजा करता है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो शिव और पार्वती जी मतलब मेकअप वगैरह करके डांस तो करती ही है, और जो लोगों का स्किन है ना, उसके अंदर एक मोटा सा लोहे का, उसको बंगाली में बोलते बोर्शी, वो अंदर घुसा के फिर चरखी जैसा घूमते, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा ही लगता है, लेकिन रिक्स भी है थोड़ा बहुत। और ये देखिए हम लोग गोला खा रहे हैं, गोला के शॉप पे आ गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पर आया ना, तो बहुत भीड़ लगा है गोला के दुकान में, तो सभी बैठ के मतलब हम गोला खा रहे थे कि चलो थोड़ा सा कुछ ठंडा खा ले। पहले हम बोला था कि आइसक्रीम खाए थे, मम्मी बोला नहीं नहीं चल गोला खा लेते, तो मैंने आइसक्रीम नहीं खाया। तो पेचकी का मम्मी, पेचकी, मैं और मेरा मम्मी गए थे, और बीच बीच में मैं सेल्फी भी ले रही थी थोड़ा बहुत, और पेचकी भी थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर रही थी, मैं भी शूट कर रही थी। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हो मार्ठ में, बहुत सारे लोग आए थे। और पता है ऊपर ड्रोन कैमरा किसी ने वो कर दिया था, मुझे अच्छा भी लग रहा था देखे, काश मेरे पास भी एक ड्रोन कैमरा होता तो मैं भी अच्छे से शूट कर पाती। मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाई, थोड़ा सा मतलब बाहर बाहर करके और कैमरे को थोड़ा सा जूम करके वो लिया। तो ये देखे शिव और गौरी जो है वो मेकअप करके थोड़ा बहुत घूम रहे, मतलब ये जो मोटा सा जो वो होता है ना लोहे, जो पीठ के मोटा सा मसल के अंदर ये वो दे देते हैं, और दे के उसके बाद घूम रहा है, ठीक है। तो ये दर्द नहीं करता है, पता है क्यों? खून भी नहीं निकलता है उन लोगों को, क्योंकि ये एक मंत्र से बंधा होता है। तो ये बंगाली लोगों का
कुछ मतलब बंगाली लोगों का ये पूजा वगैरह है, इसको नील पूजा भी बोलते, बहुत सारे लोग देल पूजा, शिव गौरी पूजा, चौरक पूजा, काफ़ी सारे नाम से जाना जाता है। और मेरे को जाके बहुत सारे फ्रेंड लोगों से मैं मिली, तो बहुत सारे फ्रेंड लोगों से मैं बात बात की। वैसे तो रोज़ मिलना नहीं होता है, लेकिन आज जाके हमको बहुत सारे लोग मतलब देखने को मिला है वहाँ पर, काफ़ी जान पहचान वाले लोग। और ड्रोन कैमरा तो ऊपर घूम ही रहा था, मुझे देख के बहुत अच्छा भी लग रहा था सच बताओ तो। तो हमने एक प्लास्टिक का फ्लावर का प्राइस पूछा था इनसे, तो पता है इस फ्लावर का दाम कितना बोला, 100 रुपया बोल दिया। मतलब 4 फ्लावर लगा है प्लास्टिक का, बस 100 रुपया, तो कौन लेगा। तो उसके बाद ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर से घर के और रिटर्न जा रहे हैं। आप देख सकते हो रास्ते में कितना भीड़ है। और इस लड़के को देखे आप, ये जो त्रिशूल है पेट के अंदर घुसा दिया है, ना ब्लड निकल रहा है ना कुछ भी। तो ये हमको बोल रहे हैं कि कैमरा ऑफ कर ले, ये मेरा दोस्त जैसा ही है, मतलब आपने देखा होगा इसको काफ़ी बार मेरे वीडियो में। और यहाँ पर सेल लगा है आप देख सकते हो चैत महीने का। और मैंने थोड़ा सा ATM गई हूँ क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है ना, तो इसीलिए पैसा उठाने जा रहे थे। ग्रिल वगैरह लग रहा था घर में, बाथरूम वगैरह बन रहा था उसके लिए। और दवाई के दुकान में भी आए घर के जाते जाते, रास्ते में मेडिसिन भी ली। और कल हमारे बंगाली लोगों का जो न्यू ईयर है, इसीलिए हम थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं ताकि भगवान को पूजा दे सके। कल पहला जो बैसाख है बंगाली लोगों में वो है। तो कपड़ा वपड़े का सेल भी लगा है, आप देख सकते हो बहुत सारे मतलब जगह जगह पे सेल लगा है। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो अभी हम घर जा रहे हैं, गली में ही है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। 4:30 बजे घर से निकले थे और अभी 7:30 बज गया है। तो आते समय हम चल के आए और जाते समय हम ई रिक्शा में गए थे, तो बहुत ज़्यादा थक गए। और काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग भी किया क्योंकि सेल लगा है चैत महीने का, एक महीना तक यहाँ पर सेल चलता है। और कल बंगाली लोगों का न्यू ईयर है, तो इसीलिए मतलब सारा दुकान वगैरह खाली हो जाएगा। तो काफ़ी सारा शॉपिंग करके आ गए हम लोग, तभी घर जा रहे हैं। और इतना ज़्यादा गर्मी है कि पूरा पसीना से हम भीग गए, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो घर जाते हैं, फिर बाकी का जो व्लॉग है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है चले। तो घर आके देखा कि पापा ने मेरे लिए और एक ड्रेस लाया है न्यू ईयर के लिए, तो मतलब खोल के देख लेते हैं चले। तो अभी घर आ चुके हैं और फ्रेश भी हो लिया और थोड़ा सा मैगी खा लिया है हमने। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे मज़ेदार व्लॉग आप लोगों के लिए हमेशा लाती रहती हूँ। तो इतना मेहनत करती हूँ मैं, थोड़ा सा एक लाइक तो बनता ही है ना, तो लाइक कर दे। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।